एवरीवन, नमस्ते। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल शिखा ब्यूटी वर्ल्ड में। तो सभी को एडवांस में ईद मुबारक। और ईद के लिए मैंने ये फुल कट क्रीज मेकअप लुक किया है। तो अभी लॉकडाउन चल रहा है, आई होप कि आप सभी लोग सेफ है, सुरक्षित है और अपनी अच्छे से केयर ले रहे हैं। लॉकडाउन होने पर भी आप अपने घर में फैमिली मेम्बर्स के साथ अच्छे से फेस्टिवल्स मना सकते हैं, तो उसके लिए मैं ये लुक लेके आई हूँ। आई होप कि आपको ये मेकअप लुक अच्छा लगेगा। लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर लीजिएगा। मैं अपना आईडी स्क्रीन पे दे दूँगी, उसे ज़रूर चेक कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आईब्रोज बनाने के लिए मैं ब्राउन और ब्लैक मिक्स क्लियर का आईब्रो पेंसिल ले रही हूँ। तो दोनों को ही मैं मिक्स करके लगाऊंगी। यहाँ पर इस तरह से आउटलाइन कर लूँगी और बीच में भी छोटे छोटे स्ट्रोक्स बना लूँगी। इसके बाद स्पूली ब्रश से कोम कर दूँगी ताकि जो भी शेड है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो। इसके बाद मैं पैक का आईब्रो डिफाइनर ले रही हूँ और ब्राउन और ब्लैक जो पाउडर है उसे एंगुलर ब्रश से फिल कर लूँगी अपने आईब्रोज़ पे। एंड लास्ट में फिर से स्पूली से कोम कर दूँगी ताकि नेचुरल फिनिश मिले। इसके बाद आईब्रोज़ को एक नीट एंड क्लीन शेप देने के लिए मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। मैंने यूज़ किया है मैबेलिन का फिट मी कंसीलर। मेरा शेड है मीडियम और एंगुलर ब्रश से इस तरह से मैं अपने आईब्रोज़ के नीचे और ऊपर ड्रॉ कर लूँगी और सेम कंसीलर को ही मैं अपने आईलिड पर एज ए आई शेडो बेस लगा लूँगी। अब कंसीलर को सेट करने के लिए मैं फ्लोरमा का प्रिटी कॉम्पैक्ट रोज़ शेड ले रही हूँ और पाउडर ब्रश से अपने आईलिड पर लगा लूँगी ताकि कंसीलर क्रीज ना हो। देन स्टार्ट मेकर का ये ब्रश लेकर मैं हिलेरी रोडा मैट आई शेडो पैलेट से ये हल्का सा ब्रिक रेड सा है शेड उसे अपने क्रीज पर एज ए ट्रांजिशन शेड लगाऊँगी। तो इस तरह से स्वाइप करते हुए मैं लगा लूँगी। फिर एक फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश से हार्श एजेस को ब्लेंड कर लूँगी ताकि शेड अच्छे से डिफ्यूज़ हो, ब्लेंड हो जाए। फिर क्रीज को डेप्थ देने के लिए मैं ये ब्राइट रेड शेड ले रही हूँ और एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश से अपने क्रीज पर लगाऊँगी। तो इस शेड को बार बार ब्रश पे लगाकर मैं बिल्डअप करूँगी जब तक मुझे अपना डिज़ायर्ड ब्राइट रेड शेड ना मिल जाए। फिर एक ब्लेंडिंग ब्रश से मैं ब्लेंड कर लूँगी पहले वाले रेड शेड के साथ। इसके बाद मैं ये ब्लैक शेड ले रही हूँ। सभी मैट आई शेडो है तो एक पेंसिल ब्रश से मैं अपने क्रीज पर एक लाइन सा क्रिएट करूँगी और इसे और भी थोड़ा सा डार्क करूँगी लगाते हुए। फिर मैंने एक मोटा पेंसिल ब्रश लिया है पैक का और उससे ब्लैक शेड को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि कोई भी हार्श एज ना रहे, वो स्मोकी सा लुक मिले। यहाँ पर क्लिप थोड़ा सा ब्लर हो गया है, बाद में मैंने ये देखा एडिट करते वक्त। तो एंगुलर ब्रश से मैं फिट मी कंसीलर मीडियम शेड को लेकर इस तरह से अपने क्रीज को कट कर लूँगी और बाहर की तरफ विंग सा बना लूँगी। देन कॉम्पैक्ट से मैं सेट कर लूँगी कंसीलर को। तो मैंने सेम फ्लोरमार का कॉम्पैक्ट लिया है। इसके बाद मैं फॉकलेयर एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ पैलेट से ये ग्लैम शेड ले रही हूँ और एक फ्लैट शेडर ब्रश से मैं अपने लीड पर लगा लूँगी जहाँ पर मैंने कंसीलर लगाया हुआ है। तो ये एक शिमर रोज़ गोल्ड सा शेड है और इसे अच्छे से लगा लूँगी। तो मैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से फिंगर्स ब्रश सभी का इस्तेमाल करती हूँ और यहाँ पर मैंने एक पॉइंटेड फ्लैट ब्रश लिया है ताकि मैं कट क्रीज जो मैंने किया है वहाँ बॉर्डर्स पर अच्छे से लगा पाऊँ। देन स्टेक वर्की का लिक्विड लाइनर लिया है और अपने अपर लैश लाइन को आउटलाइन कर लूँगी और मैंने आज बहुत ही थिक लाइनर लगाया है। आउटर वी पर भी मैंने शार्प विंग क्रिएट किया है और इनर आई कॉर्नर पे भी एक छोटा सा स्मॉल विंग टाइप का बना लूँगी, ज़्यादा पॉइंटेड नहीं करूँगी इसे। देन लैशेस को कर्ल कर लूँगी आई लैश कर्लर से और मस्कारा के लिए मैं ले रही हूँ मैबेलिन द कॉलोसल वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्कारा, ये वाटरप्रूफ वाला है। तो इसे अपने अपर लैशेस को अच्छे से कोट कर लूँगी और लोअर लैशेस में बाद में फेस मेकअप के बाद करूँगी। अब अपने वाटर लाइन को टाइट लाइन करने के लिए मैं मिस क्लेयर का सॉफ्ट कोलन काजल ले रही हूँ। ये काफ़ी अच्छा काजल है, स्मच प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग एंड वाटरप्रूफ है। तो इसे मैं अपने लोअर लैश लाइन पर भी लगा लूँगी हल्का सा।
इसके बाद रेड मैट आई शेडो को मैं अपने काजल के नीचे लगाऊंगी और दोनों को ही स्मोक आउट कर दूंगी ताकि एक रेड ब्लैक स्मोकी सा डिफ्यूज लुक मिले। अब फेस मेकअप के लिए मैं सबसे पहले फेस पर टोनर लगा लूंगी, तो मैं यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का टी ट्री फेस टोनर। फिर मॉइस्चराइजिंग के लिए मैंने लिया है गुड वाइब्स का ग्रेपफ्रूट टोनिंग फेस क्रीम, तो इसे अच्छे से पूरे फेस पर लगा लूँगी। और क्योंकि अभी समर है तो मैं सनस्क्रीन के लिए ले रही हूँ जॉय का सनस्क्रीन लोशन, इसे पूरे फेस और नेक पर लगा लूँगी पूरे एक्सपोज एरिया में। वैसे तो लॉकडाउन है, हम कहीं जा नहीं रहे, लेकिन ये समर मेकअप लुक है और वैसे भी सनस्क्रीन लोशन हमेशा लगाना ज़रूरी है, ये हमारी स्किन को सन के हार्मफुल रे से प्रोटेक्ट करता है। तो मैं इसे पूरे फेस पर अच्छे से लगाकर हाथ से ब्लेंड कर लूँगी। सनस्क्रीन के एब्जॉर्ब होने के बाद मैं लैक्मे का ब्लर परफेक्ट प्राइमर अपने फेस पर लगा लूँगी। स्पेशली मैं फोरहेड, नोज़ और चिक्स के एरियाज़ में ज़्यादा लगाती हूँ, यहाँ पर मेरे काफ़ी ओपन पोर्स है। अब NYB का ऑरेंज करेक्टर लेके मैं अपने अंडर आई एरिया, माउथ के साइज़ में और चिन में लगाऊंगी, तो कुछ पिंपल्स के डार्क स्पॉट्स है फेस पर, तो उसे इवन आउट करने के लिए, करेक्ट करने के लिए मैं ऑरेंज कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद फाउंडेशन ब्रश से मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी, तो बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना है, थोड़ा सा मैंने इसे स्मूथ कर दिया है। देन इसको सेट करने के लिए मैं मीनाओ का HD ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ कर रही हूँ ताकि ये फाउंडेशन के साथ मिक्सअप ना हो। करेक्टर को पाउडर से सेट करने का टेक्निक मैंने स्मिता दीपक के चैनल पर देखा था, तो मैं उनके वीडियोस फॉलो करती हूँ और उनका मेकअप काफ़ी अच्छा होता है, तब से मैं ये स्टेप फॉलो करती हूँ। अब फाउंडेशन के लिए मैं मेबेलिन का 24 आवर सुपर स्टे फुल कवरेज लिक्विड फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। मेरा शेड है नेचुरल बेज, तो इसका कवरेज काफ़ी अच्छा है, फुल कवरेज मिलता है, और इसे मैं अपने फेस और नेक पे लगा लूँगी और डैम ब्यूटी ब्लेंडर से डैप करते हुए ब्लेंड कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं किस तरह से सारे अनइवन स्किन टोन, पिगमेंटेशन सब कवर हो गया है अच्छे से। ये लॉन्ग लास्टिंग, स्वेट प्रूफ एंड वाटर प्रूफ भी है, लेकिन ऑक्सीडाइज होता है, तो इसे अपने स्किन टोन से एक या दो शेड लाइट लेना चाहिए। नेक एरिया पे ब्लेंड करने के लिए मैं फ्लैट बफिंग ब्रश ले रही हूँ, तो ये भी मैंने स्मिता दीपक के चैनल पे देखा था, और पहले मैं ब्यूटी ब्लेंडर से डैप करके ब्लेंड करती थी, लेकिन क्योंकि नेक पे प्रेशर पड़ता है तो बड़ा अजीब सा लगता है, तब से मैं भी ब्रश का यूज़ करती हूँ। अब हाइलाइटिंग के लिए मैं NYB का करेक्टर स्टिक ले रही हूँ, मेरा शेड है गोल्डन, तो इसे मैं फोरहेड, अंडर आई एरिया, नोज़ ब्रिज और चिन पर लगा लूँगी, देन डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से डैप करते हुए ब्लेंड कर लूँगी। अब मैं क्रीम कॉन्टोरिंग के लिए NYB का कॉन्ट्रोल स्टिक ले रही हूँ, मेरा शेड है टोस्ट, इससे मैं अपने नोज, हॉलोज ऑफ चीक्स, फोरहेड और जॉ लाइन को कॉन्ट्रोल कर लूँगी, तो फेस काफ़ी स्लिम लगता है इससे और एक शार्प फीचर मिलता है। फिर डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से डैप करते हुए अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। नोज़ को ब्लेंड करने के लिए मैं एक फ्लैट स्ट्रेट ब्रश ले रही हूँ, तो इससे मैं कॉन्ट्रोल लाइन जो मैंने ड्रॉ किया था उसको नीचे की तरफ ब्लेंड कर रही हूँ इस तरह से। फाउंडेशन और कंसीलर लॉन्ग लास्टिंग हो, ज़्यादा देर तक स्टे करे फेस पे और स्वेट कंट्रोल हो, इसके लिए मैं इसे सेट करूँगी फ्लोरमार के प्रिटी कॉम्पैक्ट से, मेरा शेड है रोज़।
तो पाउडर ब्रश से मैं अच्छे से पूरे फेस और नेक पर लगा लूँगी। तो मैंने फेस पर फाउंडेशन एंड कॉम्पैक्ट लगा लिया है, तो लोअर लैशेस पे अभी मस्कारा लगा लूँगी। और अब पाउडर कंटूरिंग के लिए मैं सिवाना का ब्रॉन्ज प्रोफेशनल ले रही हूँ। मेरा शेड है 01 डार्क। इसमें से डार्क ब्राउन शेड लेकर मैं अपने हॉलोज ऑफ चीक्स, नोज़, फोरहेड और जॉ लाइन को कंटूर करूँगी, तो इससे काफ़ी एक स्मूथ सा लुक मिलता है। तो पाउडर कंटूरिंग ज़्यादा इजी होता है। अगर आपको क्रीम कंटूर नहीं पसंद है तो आप सिर्फ पाउडर कंटूर भी कर सकते हैं। इसके बाद ब्लश के लिए मैंने लिया है फ्लोरमर प्रेटी ब्लश ऑन डुओ पीच एंड कोरल। तो इसमें से ये पीच शेड जो है उसे मैं अपने एप्पल ऑफ चीक्स पर लगा लूँगी एक ब्लश ब्रश से। तो मैं अपने चीक्स पे कॉन्टोर के डायरेक्शन में ऊपर की तरफ ब्लेंड करते हुए लगाऊंगी। फिर फेस को हाइलाइटिंग के लिए मैंने लिया है मिस क्लेयर का शिमर ब्रिक 03 पैलेट। इस पैलेट का सबसे ऊपर वाला शेड मैं अपने फेस को हाइलाइट करने के लिए यूज़ करूँगी। तो ब्रो आर्च और इनर आई कॉर्नर पर लगाने के लिए मैंने पॉइंटेड सा स्मॉल ब्रश लिया है, ताकि वहाँ पर अच्छे से प्रिसाइजली लगा पाऊँ, क्योंकि फिंगर से अगर आप ब्रो आर्च पर या फिर इनर आई कॉर्नर पर लगाएंगे तो कभी कभी वो बाहर भी लग सकता है। तो इसीलिए मैं हमेशा छोटा कोई भी ब्रश लेती हूँ, जैसे कि आई मेकअप ब्रश होता है छोटा या फिर कंसीलर ब्रश होता है, वो यूज़ करती हूँ। और अब लिपस्टिक के लिए मैंने स्टे क्वर्की का क्रीमी मैट लिपस्टिक लिया है। मेरा शेड है फायर अप हियर एंड डाउन बिलो। तो ये बहुत ही प्यारा सा ब्राइट रेड कलर है और मुझे काफ़ी पसंद है। अब पैक का मिंक लैशेस यूज़ कर रही हूँ M72, और इसे लगाने के लिए मैंने डुओ का स्ट्रिप ऑन लैश एडेसिव यूज़ किया है। और मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए लास्ट में मैंने किस ब्यूटी का प्राइमर वाटर यूज़ किया है एज अ सेटिंग स्प्रे। और ये है मेरा फाइनल लुक। आई होप कि आपको ये लुक अच्छा लगा होगा, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर एंड वंस अगेन ईद मुबारक।